नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना दोस्त भूपेन सिंह स्वागत करता हूं आपके एक और नए फ्रेश और कमाल ब्लॉग में। दोस्तों, पहाड़ों में एक और नया दिन, एक और नई सुबह हो चुकी है। उम्मीद करता हूं आप लोग भी सभी ठीक ही होंगे। तो देखते हैं आज दिन भर क्या क्या हो सकता है। बहुत कुछ होने वाला है दिन भर। अभी तो घर ही पे हैं, फिर निकलना कैसे लेक की तरफ। और साथ में मेरे मनु भी है, ये छोटी सी भतीजी मेरी। मनु, सबको हाई कर दे। और स्कूल नहीं गई आज, फिर जाएगी। खाना खा लिया तूने? ठीक है, सबको नमस्कार कर दिया। तो ये है मेरी क्यूट सी भतीजी मनु मानसी। तो अभी हूँ मैं घर ही पे और देखते हैं और दिन भर क्या क्या हो सकता है। घर से निकलने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों खूबसूरत सा दिन स्टार्ट करते हैं, खूबसूरत सा ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्या दिखाऊँ? फोटो दिखाऊँ? फोटो नहीं दिखानी तेरे को, नहीं दिखाऊंगा, नहीं दिखाऊंगा, नहीं दिखाऊंगा। किसकी फोटो देखनी है? अभी दिखाऊंगा तेरे को, सभी लोग देख रहे हैं, देख चल। तो फ्रेंड, ये आड़ू के पेड़ हैं देखिए, और इनमें आड़ू के फल लगने लगे हैं। देखिए छोटे छोटे फल इनमें लगने लगे हैं आड़ू के। बाकी जो व्यूज हैं सुबह के, उनके तो क्या ही कहने, क्या नजारे हैं देखे। तो मॉर्निंग पीरियड है अभी, और हम लोग घर से आ चुके हैं अपनी चौखटा वाली साइड पे। सुबह काम स्टार्ट यहाँ पे करवा दिया है। कल जो यहाँ पे हम लोगों ने लेआउट निकाला, आज उस पर बुर्जी बना के हम अपना पूरा काम पक्का कर ले रहे हैं। काम हमारा पक्का ही रहता है दोस्तों, दिल लगा के काम होता है। एक चीज़ है, पहाड़ों में लेट लगती है, शहरों की जितनी जल्दी काम नहीं हो सकते हैं पहाड़ों पर। और ये देखें जो ईंटों के ये पिलर जैसे बना रहे हैं, ये बुर्जी है, ताकि जब भी हम आप कॉलम वॉलम खोदें तो एकदम सीध में हो, गुनिये में हो। तो पक्का काम यहाँ पर हो रहा है। तो फ्रेंड, अभी दोपहर के 12 बजने वाले हैं। मैं भी हूँ कसेले मार्केट में, साथ में मिस्त्री जी भी हैं पीछे गाड़ी में। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं हल्द्वानी निकलने का, कुछ काम था हम लोगों को। तो देखते हैं कितना समय लगता है, अगर जाया जाता है तो देखते हैं। अभी हूँ मैं कसेले मार्केट में, गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। और रोज़मर्रा की दिनचर्या लोगों की चली हुई है। ऊपर भोलेनाथ बाबा का मंदिर और सामने नीलकंठ रेस्टोरेंट, और इस तरफ को काफ़ी अमेजिंग व्यू देखने को मिल रहा है कसेले से। देखिए तो फ्रेंड, हम लोग निकल चुके हैं कसेले से आप हल्द्वानी के लिए। अमित भाई कर रहे हैं यहाँ पर ड्राइव, पीछे हरीश भाई भी बैठा है और मिस्त्री जी भी बैठे हैं। तो आप देखते हैं हल्द्वानी पहुँचने में हमें कितना समय लगता है। तो चलते हैं और बेहतरीन नज़ारे जो भी देखने को मिलेगा रास्ते में वो आपके साथ शेयर करते जाऊँगा। तो हम लोग पहुंच गए अभी पोखराड़ वाली रिवर पे, और रोड पे नया डामरीकरण चल रहा है। तो हम लोग अभी पोखराड़ में छोटी सी रिवर है, तो गाड़ी वाड़ी थोड़ा साफ कर लेते हैं यहाँ पे और फिर निकलते हैं। और सामने नया डामरीकरण हो रहा है, यहाँ पे देखिए नई रोड बन रही है, ऊपर को तो बनी हुई है, यहाँ से फिर शुरू हो गया काम। कुछ बाइकर यहाँ पे नदी क्रॉस कर रहे हैं, शायद मुक्तेश्वर घूमने आए होंगे। और यहाँ पे देखिए पूरा डामरीकरण हो रहा है इस रोड पे, क्योंकि काफ़ी फेमस रोड है भालुवाड़ वाटरफॉल आज की डेट पे। दोस्तों, सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम पहुँच चुके हैं भीमताल पे, और भीमताल लेक देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है अभी। तो हल्द्वानी के पास पहुँचने वाले हैं, नीचे सलड़ी पे पहुँचने वाले हैं हम लोग, और सामने की तरफ पहाड़ देखिए, अच्छे खासे व्यू आ रहे हैं अभी यहाँ से। और थोड़ी गर्मी भी स्टार्ट हो चुकी है, नज़ारे तो काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल ही रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हो रहा है 2 बजे का समय और हम लोग पहुंच चुके हैं सलड़ी। सामने हिल्स व्यू रेस्टोरेंट, बढ़िया व्यू आता है, अभी आपको दिखाऊंगा अंदर जाके। तो थोड़ा बहुत हल्का दुल्का यहाँ पर खाना खा लेते हैं, फिर चलते हैं हल्द्वानी की तरफ, और हमारे जो काम है उनको निपटाना है फटाफट। तो चलते हैं, हरीश भाई है साथ में, अमित भाई काफ़ी मस्त ड्राइविंग कर रहा है। तो करते हैं अपना थोड़ा बहुत खाना वाना। हम जितना नीचे को पहुंच गए हैं, तकरीबन 40 किलोमीटर नीचे आ चुके हैं पहाड़ों से, लेकिन यहाँ गर्मी बहुत हो रही है, एकदम चारों तरफ धुंध छाई हुई है, मौसम काफ़ी बेकार, गर्मी का।
तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ रेस्टोरेंट के अंदर और यहाँ से व्यू देखिए सामने का। इसी कारण इस रेस्टोरेंट का नाम भी हिल्स व्यू है, शायद इसी कारण रखा होगा क्योंकि व्यू काफ़ी शानदार देखने को मिलता है। नीचे गोला नदी और सामने का व्यू देखिए। और रेस्टोरेंट भी बड़ा रेस्टोरेंट है, खाना भी काफ़ी अच्छा मिलता है, तो खाना वाना खाते हैं उसके बाद निकलेंगे हल्द्वानी के लिए। और ये हमारा खाना, दाल चावल और सब्जी रोटी, सिंपल सादा खाना। तो फ्रेंड खाना वाना तो हो गया है काफ़ी मस्त, यहाँ पे सादा खाना दाल चावल हम लोगों ने खा लिया है। अब निकलते हैं सीधे हल्द्वानी के लिए। मेरे पीछे हिल्स व्यू रेस्टोरेंट, पहाड़ों को आते हुए सबसे पहला रेस्टोरेंट पड़ेगा और काफ़ी अच्छा खाना यहाँ पर मिलता है। सामने अमित भाई लोग सब गाड़ी में बैठ चुके हैं, तो अब निकलते हैं हल्द्वानी की तरफ को और देखते हैं अपने कामों को निपटा के कितना समय हमारा वहाँ लगता है और वहाँ की कैसा मौसम है वो आपके साथ में जरूर शेयर। तो दोस्तों निकल चुके हैं हल्द्वानी की तरफ को और अभी देखिए क्या व्यू आ रहा है, क्या सीन्स आ रहे हैं। ऊपर नीचे चारों तरफ पेड़ और पेड़ों पर आजकल पत्तियां आई हुई हैं, क्या हरा भरा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड अभी पहुँचे हम रानीबाग पुल पर, यहाँ पर पुल का काम चल रहा है जिस वजह से ट्रैफिक जाम है। पहले एक साइड निकलने दे रहे गाड़ियों को फिर दूसरी तरफ। तो देखिए अभी तो हम निकलने लग गए हैं, पूरा जाम लग रहा है क्योंकि वन साइड हो रखा है। अभी पुल निर्माण कार्य चल रहा है और अभी देखिए नीचे को आने वाली गाड़ियों की कतार लग गई है। काफ़ी लंबा जाम लगता है क्योंकि जगह है नहीं, एक एक करके आने देते हैं। और ऊपर से पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है जिस वजह से पुल को भी खतरा है, इसलिए नया पुल निर्माण कार्य हो रहा है वहाँ पर। तो आ चुके हैं हम हल्द्वानी की सड़कों में। दिल्ली यहाँ से मात्र 276 किलोमीटर है। एंड हम लोग पहुँच चुके हैं हल्द्वानी और गाड़ी हमने खड़ी कर दी रामलाल ग्राउंड पे, पीछे अमित भाई और हरीश भाई। तो सभी लोग यहाँ पे देखिए आसपास में बहुत सी गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क की हुई हैं, तो हमने भी यहाँ पे पीछे गाड़ी पार्क कर दी। अमित भाई ने काफ़ी अच्छी ड्राइविंग करी। तो आप देखते हैं अब जो अपने कामों के लिए यहाँ पर आए हैं वो कामों को निपटाते हैं और फिर देखते हैं कितना समय हमारा यहाँ पर लग पाता है और कितने बजे हम यहाँ से निकलते हैं। तो चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, लेकिन मौसम थोड़ा यहाँ पर गर्म है हमारे मुक्तेश्वर के बजाय, काफ़ी गर्म मेरे को महसूस हो रहा है। तो आसपास देखिए सभी ने यहाँ पर रामलीला ग्राउंड में गाड़ियाँ पार्क की हैं। अब चलते हैं हम अपने मेन कामों के लिए। गर्मी बहुत है भाई, लग रही गर्मी, गर्मी का एहसास काफ़ी है क्योंकि हम लोग हैं पहाड़ों से और शहरों की उतनी आदत होती नहीं है, हमारे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा गर्म है। सामने काटी जा रही है रसीद क्योंकि रामलीला ग्राउंड में हमने गाड़ी पार्क करी, तो उसका कुछ पेमेंट वगैरह लेते हैं और साथ में रसीद देते हैं। इससे फ़ायदा यह है कि गाड़ियाँ सेफ रह जाती है अंदर। तो आप चलते हैं मार्केट पे अपनी। पहला काम तो हमारा हो जाता है, हमने जो शॉप देख रहे हैं दीक्षा बुक स्टोर, तो यहाँ पर कुछ हमने औजार बॉक्स और कुछ पेंसिलें लेनी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसका वीडियो आएगा एक अलग से और कैसा हम लोगों ने किया वो आप हमें बताइएगा। अमित भाई लोग सामने ले रहे हैं जो पेंसिल और औजार बॉक्स हैं, अमित भाई लोग वो ले रहे हैं। सामने है मेन रोड, तो पहला काम यहाँ पे निपटाते हैं फिर निकलेंगे। शॉप पे तो उतना हमें सामान नहीं मिल पाया, हम जा रहे हैं उनकी एक बड़ी वाली शॉप है। अभी मैं आ चुका हूँ मेन रोड पे, तो बड़ी वाली शॉप पे चलते हैं, वहाँ से कलेक्ट करते हैं अपनी चीज़ें। वहाँ पर इतनी चीज़ें थी नहीं जो हमें चाहिए, वो मिला नहीं हमें। तो चलिए सामने कालूसाई मंदिर, तो चलिए। तो हम लोग इनके बड़े शोरूम में आ गए हैं और देखते हैं हमें यहाँ पर मिल जाएगा, जहाँ तक सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यह है इनका बड़ा शोरूम, बड़ा गोदाम। तो चलते हैं अंदर और लेते हैं अपना औजार बॉक्स, और बहुत सी पेंसिल ही लेने हैं, बहुत से औजार बॉक्स लेने हैं, तो चलते हैं। तो सामान हमने ले लिया और पैकिंग हो रही है यहाँ पे, देखिए औजार बॉक्स हैं साथ में रबड़ पेंसिल, रबड़ कटर और पेंसिल भी हैं। और ये सब का ब्लॉग आएगा एक दिन दो तीन दिन के बाद वाला में, किस लिए ये चीज़ें हम खरीद रहे हैं। शाम के 5 बजने वाले हैं, हम फिर से आ चुके हैं अपनी गाड़ी के पास। पीछे है रामलीला ग्राउंड जहाँ पर हमारी गाड़ी पार्क है और साथ में थोड़ा खीरा वीरा खा रहे हैं, खीरा वीरा लाइफ है। तो जितना भी हमारा यहाँ पर काम था वो लगभग हमने कंप्लीट कर दिया है। अब थोड़ा खाना वाना कुछ खा लेते हैं और देखते हैं कितना समय और लगता है हमें यहाँ से निकलने में, क्योंकि काम तो हमारे लगभग ख़त्म हो चुके हैं। थोड़ा बहुत अब खाना खाते हैं फिर और काम देखते हैं।
और सामने रेस्टोरेंट, तो वहाँ चलते हैं, थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं। शाम का समय हो चला है, लगभग 6 बज रहे हैं। तो हम लोग पहुँच गए होटल चस्का के आगे, रेस्टोरेंट है एक छोटा सा मेन रोड पे, तो खाना खाते हैं यहाँ पे। और शहरों की लाइफ भी बड़ी अजीब सी होती है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, कोई यहाँ पे सुकून नहीं, बस ज़िंदगी चली हुई है। जहाँ देखो वहाँ ट्रैफिक, अजीब सा माहौल हो रखा है। ऊपर थोड़ा टॉप में हो रहा है सनसेट। तो करते हैं अपना खाना। दोस्तों शाम का समय है, हम लोग अब जा रहे हैं घर की तरफ को। सलड़ी पे पहुँच चुके हैं, करीब 6:30 बजे का समय हो रहा है अभी। करीब 2 घंटे लगेंगे घर पहुँचने में। और व्यूज़ देखिए, सनसेट हो चुका है। धीरे धीरे ऊपर को बढ़ रहे हैं तो पहाड़ शुरू हो रहे हैं, और पहाड़ों का तो अपने आप में क्या व्यू होता है। सामने की तरफ देखिए, नैनीताल की एरिया है, और व्यू देखिए। दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 10, और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे, और खाना वाना खा लिया, सभी लोग सो चुके हैं। मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए वीडियो एडिट, वीडियो आएगी कल। अच्छी लगी तो सपोर्ट ज़रूर करना, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आज भी काफ़ी दौड़ भाग रही, हल्द्वानी में मौसम काफ़ी गर्म है पहाड़ों के बजाय। पहाड़ों में सुबह शाम तो ठंडा है, हल्द्वानी में फिर भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है। अभी तो ये मेन गर्मी है, इसके बाद जो अप्रैल में जून में आती है एकदम जो सड़ी वाली गर्मी होती है, तब क्या हालात होंगे पता नहीं। अब जो शहर में रहते हैं उनको बड़ी आदत होती है, हम लोगों को तो काफ़ी अजीब लगा। तो दौड़ भाग भी काफ़ी हुई सुबह से, काम धाम भी बहुत अच्छे हुए। तो आप लोगों को कैसा लगा दिन भर का ब्लॉग, आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद और बाय बाय।